हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल पेंसिल स्टडी प्लस। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको आगे जो वीडियोस डली हुई हैं उसके बारे में पढ़ाया है बीएससी का, तो आज मैं ये बीएससी का फाइनल जो है फाइनल ईयर उसका मैं इजी नोट्स आपको इसके क्वेश्चंस जो है कराने जा रही हूँ, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारा फिजिक्स है उसमें तीन पेपर होते हैं हमारे, फिजिक्स फर्स्ट और सेकंड जो है वो हमारा ऑप्शनल पेपर है, और जो हमारा थर्ड पेपर है वो हमारा थ्योरेटिकल पेपर है। तो ये क्या है कि इससे हम ऑप्शनल की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, पॉइंट्स वाइज बना करके हम जो ऑप्शनल पेपर है उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी का मैं ये फर्स्ट पेपर, ये फिजिक्स फर्स्ट पेपर है जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है। तो इसका ये पहला चैप्टर है निर्देश फ्रेम, ठीक है, जिसे बोलते हैं फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, ठीक। तो इसके बारे में मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं कि इसमें पहले हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उनके हम आंसर देंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि हमारे दैनिक जीवन में हम अनेक प्रकार की स्थितित्व एवं गति की वस्तुओं को देखते हैं। जैसे चलती हुई ट्रेन है, चलती हुई साइकिल है, उड़ती हुई चिड़िया है, ये सब क्या है, एक गतिमान है, गति की अवस्था में है, ठीक है। इसी प्रकार पृथ्वी पर खड़ा पड़ा हुआ पत्थर जो होता है, पत्थर का टुकड़ा होगा साधारणतः, वो कैसा होगा, वो विराम अवस्था में होगा, मतलब वो गति नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी में बोला कि इस बात को वैज्ञानिक परिभाषा के रूप में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु जो वातावरण व आसपास की अन्य सभी वस्तुओं के सापेक्ष स्थिर रहती है, तब समय के साथ अपनी स्थिति में जो वह स्थिति को नहीं बदलती है, जब अन्य वस्तुओं के सापेक्ष वो स्थिर है तो वो अपनी जो स्थिति है उसमें चेंज में नहीं करती है, अर्थात वो विरामावस्था में कहलाती है, ठीक। और इसमें लिखा है आगे कि जब वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो यह गति अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है, हमारी गति अवस्था। वैसे ये सभी परिभाषाएं जो है वो सापेक्षिक है, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु, ऐसा बोला गया है कि ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु ना तो निरपेक्ष विरामावस्था में है और ना निरपेक्ष गति अवस्था में है, ठीक है। मतलब कोई भी वस्तु जो है ना ही तो वो विराम में है पूर्णतया, ठीक, और ना ही वो पूर्णतया गतिमान है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि कोई वस्तु निरपेक्ष विराम अवस्था में और निरपेक्ष गति की अवस्था में तभी कही जाती है जबकि उसकी किसी और दूसरी वस्तु से उसकी तुलना की जाए। जब कोई वस्तु जो है वो निरपेक्ष विराम अवस्था में या निरपेक्ष गति की अवस्था में तभी कही जाती है जबकि उसकी विराम या गति की अवस्था एक ऐसे बिंदु के सापेक्ष देखी जाए जो आकाश में कैसा हो, स्थिर हो, जो आकाश में स्थिर हो, ऐसे बिंदु से उसकी गति या उसकी विराम की अवस्था को देखा जाए। लेकिन ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड, जैसे कि पृथ्वी, तारे हैं, सूर्य हैं, ये सदैव गति अवस्था में होते हैं। कैसी अवस्था में होते हैं, गतिमान रहते हैं ये सब, ठीक है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी वस्तु की गति अवस्था व स्थिरावस्था की परिभाषा केवल किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष ही दी जा सकती है। मतलब जब तक हम किसी वस्तु के बारे में तभी बता सकते हैं कि वो गतिमान अवस्था में या विराम अवस्था में, जब हम उसकी तुलना किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा है कि गैलीलियन रूपांतर समीकरण हमारे कहलाते हैं, गैलीलियन रूपांतर समीकरण कहलाते हैं। तो अब ये जो समीकरण क्या होते हैं, गैलीलियन रूपांतर, वो हमारी ये समीकरण बताए गए हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि गैलीलियन रूपांतर समीकरण कौन कौन से हैं। एक है हमारा एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी एंड वाई डैश इक्वल्स टू वाई एंड जेड डैश इक्वल टू जेड एंड टी डैश इक्वल टू टी। ये हमारे फोर इक्वेशंस हो गए गैलीलियन रूपांतर के समीकरण हो गए, ठीक है। आगे चलिए बढ़ते हैं हम कि स्मरण रखने योग्य रखने महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। ये जो हमारे पॉइंट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ऑप्शनल पेपर के लिए। तो ये पहला क्या है कि इसमें ऐसा एक निर्देशांक निकाय जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति वर्णन की जा सकती है वो क्या कहलाते हैं, निर्देश फ्रेम कहलाते हैं। अगला है कि एक निर्देश फ्रेम निर्देशांकों का ऐसा निकाय है जो कण अथवा घटना की स्थिति को द्विविमीय तथा त्रिविमीय आकाश में परिभाषित करता है, ठीक। निर्देश फ्रेम की यह खासियत है कि उस कण की घटना की स्थिति को वो द्विविमीय या फिर त्रिविमीय, टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल में परिभाषित करेगा। यदि आकाशीय निर्देशांक एक्स वाई जेड है तो मूल बिंदु के सापेक्ष कण की स्थिति सदिश होती है, ठीक है। यदि आकाशीय निर्देशांक एक्स वाई जेड दिए जाते हैं तो जो हमारा मूल बिंदु है उसके सापेक्ष हम कण की स्थिति देखेंगे पार्टिकल की, तो वो कैसी होगी, सदिश होगी। और उसका जो इक्वेशन है हमारा वो है
कि आर वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। ठीक है, यहाँ पे आई जे के हमारे क्या हैं, ये हमारे तीनों अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश हैं। ठीक है, अब अगला है कि यदि कण का वेग जो है, वेग अगर दिया गया हो यू वेक्टर है तो वेग क्या होगा। यदि कण का वेग जो दिया गया वो यू वेक्टर है तो वेग क्या होगा, और जो हमारा वेग होता है वो क्या होता है कि देखिए हमारे कण का जो वेग है वो क्या होगा। ठीक है, तो वेग हमारा क्या होता है, वेग होता है हमारा विस्थापन बटे समय होता है। तो हम कैसे देखेंगे, विस्थापन ये जो लेंगे हम वो तीनों डायमेंशनल हमारा थ्री डायमेंशनल होगा, तो हम एक्स अक्ष के सापेक्ष वाई अक्ष के सापेक्ष जेड अक्ष के सापेक्ष तीनों अक्ष के सापेक्ष लेंगे। ठीक है, और जो हमारे एक्स अक्ष के सापेक्ष जो एकांक सदिश था वो हमारा आई वेक्टर था, और वाई एक्स के एकांक सदिश क्या था, जे कैप था। ठीक, और जेड अक्ष के सापेक्ष एकांक सदिश हमारा क्या था, के कैप था। ठीक है, तो जब हम इसका वेग निकालेंगे, वेग होता है हमारा विस्थापन अपॉन क्या, विस्थापन बटे समय होता है। ठीक, तो अब इसको हम ब्रैकेट में बंद करेंगे, ये हमें नोट करना है कि ये फॉर्मूला ये बनेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, और उसके बाद है कि इसमें इसका आगे जो एक्स अक्ष के अनुदिश आई कैप, और जो हम क्या करते हैं कि हमारा विस्थापन अपॉन समय होगा, तो एक्स अक्ष के जितनी भी दूरी तय की गई होगी वो लेंगे, वाई अक्ष पे जितनी दूरी तय की गई होगी वो लेंगे, वो भी समय के परिवर्तन के हिसाब से लेंगे, इतने समय में कितना परिवर्तन उसकी दूरी में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया कि यू वेक्टर बराबर डी आर बैक कैप डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल्स टू आई कैप डी एक्स अपॉन डी टी और प्लस जे कैप डी वाई अपॉन डी टी प्लस के कैप डी जेड अपॉन डी टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा है कि त्वरण ए वेक्टर का मान क्या होगा, त्वरण जो होता है हमारा एक्सीलरेशन उसका मान क्या होगा। अब उसका भी ऐसे ही होगा कि हम तीनों जो हमारी डायमेंशन है, तीनों अक्ष हैं, उनके अनुदिश देखेंगे कि कितना किधर उसने एक्सीलरेशन किया है, कितना किधर त्वरण उसने उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या है कि ए वेक्टर बराबर हमारा आ गया, और जो हमारा एक्सीलरेशन वो होता है वो क्या होता है, जो हमारा त्वरण होता है वो होता है हमारा वेग परिवर्तन की दर। तो वेग हमारा देखो, यहाँ पर वेग हमारा यू था, तो यहाँ पर हमने वेग परिवर्तन की दर क्या हो गया, डी यू वैक्टर अपॉन डी टी हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हमने आर में चेंज किया, तो आर में मतलब विस्थापन में चेंज किया, तो हमारा ये हो गया डी टू आर वैक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इक्वल्स टू हम एक्स अक्षों के अनुदिश लेंगे, तो हमारा हो गया डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी टू जेड अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एक्सीलरेशन हो गया। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं हम। तीन इसमें लिखा है कि तीन आकाशीय निर्देशांक हमने कोई लिए हैं, एक्स वाई जेड के अतिरिक्त हमें एक अन्य निर्देशांक की आवश्यकता होती है जो कि समय का निर्देशांक करता है, वो होता है टी। एक्स वाई जेड तो हमारे निर्देशांक हो गए तीनों डायमेंशनल के, एक्स का वाई और जेड एक्सिस का, और एक अन्य निर्देशांक की भी हमें ज़रूरत होती है जो कि हम समय जो समय का निर्देश करता है कि समय टी को निर्देश करता है, उसे हमने टी मान लिया। ठीक है, अब आगे क्या है कि किसी निर्देश फ्रेम को द्विक काल निर्देश फ्रेम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ सकता है कि किसे द्विक काल निर्देश फ्रेम कहते हैं, तो निर्देश फ्रेम को हम द्विक काल निर्देश फ्रेम भी कहते हैं, इसका ये एक अलग नाम है। अब आगे है कि निर्देश फ्रेम के उदाहरण में हम पृथ्वी, कमरे की दीवारें, सूर्य आदि को ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अब अगला क्या है कि जिस फ्रेम में न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम सत्य हों वो जड़त्वीय फ्रेम होते हैं। ठीक है, जिस फ्रेम में हमारे वही था कि हमारे न्यूटन जिन ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि हमारा जो न्यूटन के नियम है पहला दूसरा जिनमें लागू होगा वो हमारे जड़त्वीय फ्रेम कहलाएंगे, इनको हम क्या कहते हैं, न्यूटनीन नियम भी कहते हैं। ठीक है, अगला है कि किसी जड़त्वीय फ्रेम में त्वरण क्या होगा, त्वरण होगा जड़त्वीय फ्रेम के लिए जो त्वरण होता है वो हमारा जीरो होता है, तो त्वरण हमारा क्या था कि विस्थापन परिवर्तन की दर, ठीक का टू टाइम्स, पहले तो हमारा वेग परिवर्तन फिर उसके बाद हमारा विस्थापन परिवर्तन, तो जो पावर हुई उसकी वो टू होगा, डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर हो गया, इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा। तो ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर एक्स के सापेक्ष डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर वाई इसके सापेक्ष डी टू जेड अपॉन डी टी स्क्वायर जेड इसके सापेक्ष इक्वल टू जीरो। जड़त्वीय फ्रेम होते हैं वो कैसे, अत्वरित होते हैं, ठीक है, त्वरित नहीं होते हैं, अत्वरित होते हैं।
यदि कोई फ्रेम जो है वो त्वरित होगा तो स्थिर वेग से गतिशील पिंड उसमें त्वरित होता हुआ दिखाई देता है। यदि कोई फ्रेम त्वरित है तो स्थिर वेग से गतिशील पिंड उसमें त्वरित होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अगला है जड़त्वीय फ्रेम को उन निर्देश फ्रेमों के रूप में परिभाषित करते हैं जिनके सापेक्ष कोई अत्वरित कण अत्वरित अर्थात विराम में अथवा स्थिर वेग से चलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक, किसी जड़त्वीय फ्रेम के सापेक्ष स्थिर वेग से गति करता हुआ निर्देश फ्रेम भी हमारा जड़त्वीय फ्रेम होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों निर्देश फ्रेम में पिंड का त्वरण जो होगा वो शून्य होगा। ठीक, अगला है कि पृथ्वी के स्थित निर्देश फ्रेम भी जड़त्वीय होगा। पृथ्वी पर स्थित कोई अगर जड़त्वीय फ्रेम है वो फ्रेम जड़त्वीय फ्रेम नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी जो हमारी गतिमान है तो उस पर कोई स्थित फ्रेम जड़त्वीय फ्रेम नहीं होगा। अब किसी कई प्रयोगों के लिए पृथ्वी को जड़त्वीय फ्रेम का उचित सन्निकट माना जाता है। ठीक, अगला ये किसी वस्तु की गति को वर्णित करने के लिए सदा जड़त्वीय निर्देश फ्रेम का ही चयन करते हैं। किसी वस्तु की गति को अगर वर्णित करेंगे तो उसके लिए जड़त्वीय फ्रेम लेंगे, जड़त्वीय फ्रेम का यूज नहीं करेंगे। अगला है एक दूसरे के सापेक्ष एक समान रैखिक गति एक दूसरे के सापेक्ष एक समान रैखिक गति के गतिशील समस्त निर्देश फ्रेम जो हैं वो यांत्रिकी के नियमों को निरूपित करने के लिए समान रूप से उपयुक्त होते हैं। ठीक, अगला है कि समस्त त्वरित एवं घूर्णित फ्रेम जो हैं वो अजड़त्वीय फ्रेम होते हैं। जो त्वरित होते हैं और घूर्णित होते हैं वो हमारे अजड़त्वीय होते हैं, अर्थात जो जड़ के नियम का पालन नहीं करते हैं। अगला है कि अजड़त्वीय फ्रेमों को उन निर्देश फ्रेमों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनमें न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम पालन सत्य नहीं होते हैं, वो हमारे अजड़त्वीय फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने दो फेज पढ़े हुए हैं इसके जी नोट्स के। क्या है कि जो पॉइंट्स हैं आप इनको नोट करते जाइए, ये हमारे एग्जाम में बहुत ही मदद करते हैं। और हमारा ऑप्शनल पेपर ही ऐसा होता है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरी में तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कट ही जाते हैं जितना भी लिखो, लेकिन ये हमारा ऑप्शनल होता है कि एक क्वेश्चन का आपको एक नंबर पूरा दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे चैनल को पढ़ते रहिए, ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो आप घर में रह रहे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए नहीं है तो वो यहाँ से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।